हमारे इन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय द चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट द वेरिएशन ऑफ करंट विद द टाइम इज एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज ये बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कोई कॉइल है ठीक है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही है ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर कॉइल का रेजिस्टेंस ठीक है ये उसको क्या दिया है ये दिया है रेजिस्टेंस और ये बच्चों हमको दे दिया है 100 ओम तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि उस कॉइल में फ्लक्स चेंज कितना हो रहा होगा डेल्टा फाई कितना। तो देखिए आपको कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है कि डेल्टा फाई का आई टी और आर से रिलेशन मिल जाए तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है इसके लिए फैराडेज लॉ आप पढ़ चुके हैं फैराडेज लॉ क्या पढ़ लिख देंगे फ्रॉम फैराडेज लॉ का यूज कर लो। क्या होता है भाई फैराडेज लॉ ये होता है ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी ठीक है याद करो ये क्या बताता था कि किसी भी क्वाइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें फ्लक्स चेंज की निगेटिव रेट के बराबर ठीक है जहां पर डेल्टा फाई क्या है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई क्या है यह है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ध्यान रखना। और ये फैराडेज लॉ बोलते क्या थे ये कहते थे ना किसी भी क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आपको बच्चों अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें माइनस साइन तो ये बताता था कि ईएमएफ हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे माइनस को क्योंकि हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है तो ई डेल्टा फाई बराबर क्या बचेगा ई डेल्टा टी मतलब एक तरीके से समझिए उसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं ऐसे ठीक है तो माइनस साइन हट गया। तो कुल मिला के डेल्टा फाई का फार्मूला क्या बन गया ई इंटू डेल्टा टी। अब सोचिए अगर उस क्वाइल में आई इंड्यूस्ड करंट फ्लो हुई होगी तो ई इज इक्वल टू क्या हो सकता है आई आर ई एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल और आई उसकी क्या होगी इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी जो दिया गया है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस आई को कैपिटल से लिख देते हैं ठीक है तो हम बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई ये आएगा आई इंटू आर इंटू डेल्टा टी। अब देखिए बच्चों तो डेल्टा फाई हमारे पास हो गया आर इंटू आई डेल्टा टी। अब बच्चों आई डेल्टा टी कैसे निकालेंगे तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल दें तो आई डेल्टा टी मिल जाएगा तो इसका एरिया निकाल दो वो आई डेल्टा टी मिल जाएगा। तो आई डेल्टा टी के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एरिया ऑफ आई टी कर्व एट टी एक्सिस किधर ये वाला एरिया ये वाला ठीक है। तो क्या आएगा भाई आई डेल्टा टी बराबर ये एरिया कैसे निकलेगा सोचो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट जाएगा हाफ बेस बेस कितना है देखो कितना टाइम है 0.5 सेकेंड इंटू हाइट हाइट कितनी है 10 एम्पियर इसे इसको कैंसिल करोगे 5 टाइम आई डेल्टा टी कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 5 या आई डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है 2.5 एम्पियर इंटू सेकेंड ये आंसर आ गया। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बच्चों तो तुम्हें डेल्टा फाई मिल जाएगा क्या मिलेगा आर आर दिया है रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों 100 ओम इंटू आई डेल्टा टी ये पूरा पोर्शन ये पूरा देखो दिया है कितना दिया है 2.5 यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ ये आ जाएगा 250 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है वेबर उसका यूनिट होती है ना तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा 250 वेबर यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 250 वेबर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।